इस मामले में एक और आरोपी जिनको अदालत ने बरी किया है गजानन दास अदालत परिसर से बाहर निकले हैं। क्या आरोप था आपके ऊपर? हमारे ऊपर आरोप था कि पुलिस वाले को मारने का आरोप था मेरे ऊपर, सरकारी खजाना लूटने का और बाबरी मस्जिद विध्वंस का। मैंने अदालत के सामने सकारा स्वीकार किया कि मैं थोड़ा हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ कि काशी और मथुरा का भी रणनीति बना करके हम वहाँ की तैयारियाँ करने जा रहे हैं। क्या आप लोग एक साजिश रच के वहाँ गए थे, पूर्व नियोजित साजिश? नहीं, साजिश था, साजिश रच कर गए थे। जैसे अभी साजिश रच रहा हूँ कि काशी और मथुरा का भी हम लोग चढ़ाई करने के लिए तैयारी है और काशी मथुरा भी हम लोग करेंगे। अदालत ने तो कहा है कि कोई जो है सबूत ऐसा नहीं है, जो कोई तथ्य नहीं है। नहीं, कोई उसके पास सबूत नहीं था, लेकिन हम लोग जो कार्य किए वह कार्य किए। तो अब जो है अदालत ने जब आदेश अपना दिया उसके बाद में क्या आप लोगों का अंदर क्या माहौल था? माहौल हम लोग को प्रसन्नता और खुशी का था। जो भी अदालत का निर्णय आता है उस अदालत का निर्णय हम लोग सहर्ष स्वीकार किए और आगे भी करेंगे। यानी साफ तौर पर ये भी एक आरोपी हैं जो इनका कहना है कि इनको बरी किया गया है और अब जो है ये कह रहे हैं कि हाँ हम जो है पूर्व नियोजित तैयारी के साथ में गए थे और वहां पर वो कार्रवाई की थी। कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।